हाँ तो हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, RBI है ना, ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे आप ये समझिए ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, ये है ना, ये कैसा बॉडी है, ये समझ रहे हैं, ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है कि ये बॉडी जो है ना वो कोई ना कोई कानून से बना है ना, कोई ना कोई कानून है जो इसको लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है ना। ये ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने कभी चाहा और इसको बना दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसे कुछ काम दिया गया है, मतलब ये तरह के कानून से बना है, लॉ से बना है। ठीक है, तो किस लॉ से बना है ये, तो RBI को बनाने के लिए RBI एक्ट ऑफ 1934 रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे बनाने के लिए 1934 में एक एक्ट लाया गया था, उस एक्ट को लोकसभा से और उसके बाद राज्यसभा से, है ना, दोनों में से पास किया गया होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति के बाद ये बॉडी जो है वो RBI बना दिया गया होगा, है ना। तो ये समझिए कि RBI जो है वो कैसे बना है। ठीक है, इसे कोई ना कोई एक्ट से बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ही होता है स्टैट्यूट, है ना, स्टैट्यूट मतलब कि कोई ना कोई कानून, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, कोई ना कोई लॉ से बना है ये, है ना, एक तरह का इसमें पीछे कोई लीगल बैकिंग है। ठीक है, इसे सरकार जब चाहे तब आराम से हटा नहीं सकती है, ये समझिए ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे आप ये समझिए जैसे नीति आयोग, है ना, ये समझने का प्रयास कीजिए, नीति आयोग ये जो है ना वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की इच्छा पे है, वो गवर्नमेंट जब चाहेगी तब, ठीक है, चुटकियों में से बना सकती है या हटा सकती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसा नहीं होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी को पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, लोकसभा से फिर राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट का सहमति हुआ होगा, उनका साइन किया गया होगा, ठीक है, उनके एसेंट के साथ ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना है। ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी को बनाने के लिए लोकसभा में फिर राज्यसभा में फिर प्रेसिडेंट के पास इन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, ये गवर्नमेंट रातों रात बना सकती है, है ना, ये समझ लीजिए। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसे पार्लियामेंट के प्रोसेस से गुजरना नहीं होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होता है, ठीक है, उसे पार्लियामेंट के प्रोसेस से गुजरना नहीं होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसे पार्लियामेंट के प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में हम ये पढ़े, जैसे आपने पढ़ा होगा कि नीति आयोग जो है ना वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसकी नींव रखी थी मोदी जी ने, मोदी जी ने ये कहा था ना कि हम नीति आयोग एक तरह का बॉडी बनाएंगे। ठीक है, जब वो चुनाव में खड़े ही हुए थे उसी टाइम में उन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ही, ठीक है, चुनाव के पहले ही उन्होंने कह दिया था ना कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे नीति आयोग। ठीक है, सोचिए वो तो PM बने भी नहीं है फिर भी उन्होंने पहले ही कैसे कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाना है। जैसे ही वो PM बनेंगे वो बस उनके एक पेपर पे साइन कर देने से, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये बॉडी बन जाएगी नीति आयोग, तो इतना श्योर थे वो, है ना, कि जैसे ही वो PM बनेंगे वो ये बना देंगे। ठीक है, उन्होंने कभी स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में नहीं कहा हो गारंटी से हम ये बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ वो क्लियर नहीं है, लोकसभा में पास करना पड़ेगा फिर राज्यसभा में पास करना पड़ेगा फिर प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, तो ये चीज़ बनाने में थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि ये तो आराम से बन जाएगा, इसीलिए मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम नीति आयोग को बनाएंगे। ठीक है, इस तो समझिए नीति आयोग के पहले कौन सा बॉडी था, प्लानिंग कमीशन। ये ऐसा बॉडी था ना जिसको कि मोदी जी ने चुनाव जीतने से पहले ही कहा
कि वो इसे हटा देंगे, वाइप आउट कर देंगे, ठीक है, और इसको हटाने के बाद वो नीति आयोग बनाएंगे। आखिर उन्होंने इतना आराम से चुनाव से पहले, ठीक है, कैसे कह दिया कि प्लानिंग कमीशन को हटा देंगे? ओके, प्लानिंग कमीशन को ना उन्होंने खुद जानते थे कि अच्छा प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसे आराम से हटाया जाता है, और इसे हटा करके वो क्या बनाएंगे, नीति आयोग बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो चीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ क्या है, ठीक है। चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना। ये सोचिए कि यहाँ पे ये आदमी है, फिर एक ये आदमी है, है ना, ये आदमी है, क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं। आपके जो है एंट्रेंस वैसे खराब है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और इन सबको ना यहाँ पे लोग मार्केट में, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे कुछ लोग ना यहाँ पे मान लीजिए कि पोटैटो बेच रहे हैं, हर जगह पोटैटो बेच रहे हैं। समझिए इस तरह से कि कोई बैंक है जिसमें ये कह दिया ना कि हम आपको लोन देंगे, ठीक है, बहुत कम 3% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, 3% इंटरेस्ट रेट पे हम लोन देंगे। ये बैंक ने कह दिया कि मतलब आप मुझसे 100 रुपया लीजिएगा तो आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जितने लोग हैं वो सब देखें कि हाँ बहुत कम रेट पे हमको इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है ना, तो ये सब लोग ना बहुत तेज़ी से पहुँच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसे मजाकिया भाषा में कहा जाए तो सारे लोग मुँह उठा के पहुँच जाए बैंक के पास, है ना, कि मुझे लोन चाहिए। तो गौर कीजिए, इन सभी लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये पैसा चूँकि बहुत सस्ता मिल रहा है, ये सभी लोग बैंक से लोन लेकर पहुंच जाएंगे और इन सभी के पास आराम से मनी मिल जाएगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। पहले इन सब के पास हो सकता है कि पैकेट में 20 रुपया 10 रुपया, है ना, 25 रुपया 40 रुपया ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन अब बैंक से लोन मिलने के बाद बहुत कम रेट पे अब इन सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है ना। सोचिए, मान लो कि इनके पास पहले 10 रुपीज़ था, इसके पास 20 रुपीज़ था, 30 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ था, ठीक है। तो पहले मनी सप्लाई कितना था मार्केट में, मान लीजिए इंडिया में सिर्फ 4 ही लोग थे, है ना, तो 20, 10, 30, 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
पास 110 रुपये इनिशियली, ठीक। लेकिन जब बैंक से उन्होंने लोन ले लिया, ठीक है, तो कोई 1,000 लिया होगा, कोई 5,000 लिया होगा, कोई 10,000 लोन लिया होगा, यानी अब तो ये तो पक्का है ना कि 110 से ज्यादा रुपया अब लोगों के पास हो गया। समझने का प्रयास कीजिए कि 110 से ज्यादा रुपया इनके पास हो गया। अब चूंकि इनके पास ज्यादा रुपया हो गया, ये सभी लोग ना अब मार्केट में पहुंचेंगे और पोटैटो खरीदेंगे। सोचिए, पोटैटो वाला जो होगा वो देखेगा कि अरे मेरे पास तो बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं, है ना, ये सभी लोग आए हुए हैं। तो जो पोटैटो मान लो कि वो 40 रुपीज पर केजी बेच रहा था, आपको देखेगा कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, अब वो इस रेट को हाइक कर देगा, रेट को बढ़ा देगा। अब ये 40 से इसको बढ़ा करके 50 रुपीज पर केजी कर देगा। गौर कीजिए, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने से, देखिए तो कमोडिटी की मात्रा नहीं बढ़ी है, मनी सप्लाई बढ़ा है और महंगाई बढ़ गया है, प्राइस जो है वो बढ़ गया। यानी इसे हमने क्या सीखा, जो हम लोग सीखेंगे वो यहाँ नोट में मैं लिखता जाऊँगा, है ना, ताकि आप समझते जाए। तो हमने ये सीखा कि अच्छा, मनी सप्लाई जो होता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन जो होता है, ठीक, वो दोनों में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। आप देख रहे हैं ना, जैसे ही बैंक ने लोन सस्ता किया, सभी लोग जो हैं
जिनके पास पैकेट में पहले 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ थे, इतना कम था, यानी टोटल मिलाकर के मार्केट में 110 रुपीज़ था। तो वो लोग कम पोटैटो खरीदते हैं, कम पोटैटो खरीदते, तो पोटैटो वाला 40 रुपीज़ पर के जी पोटैटो बेच रहा था, ठीक। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी खरीदेंगे, सोचेंगे कि हाँ पैसा कम है नहीं खरीदें, तो पोटैटो वाला जो है वो 40 रुपीज़ पर के जी के रेट से बेच रहा था। अब जैसे ही बैंक ने लोन सस्ता कर दिया, अब सभी लोगों ने पैसे बैंक से लोन ले लिया, अब इनके पास ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा डिमांड करेंगे वो, तो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये सब जाएंगे पोटैटो वाले के पास। यही पोटैटो वाले के पास क्यों, इसके पास भी जाएंगे, इसके पास भी जाएंगे। अब ये सब पोटैटो वाला सोचेगा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अब ये सब क्या करेंगे कि जो 40 रुपीज़ पर के जी बेच रहे थे ना, वो 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, 70 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर एक नहीं खरीदेगा दूसरा खरीदेगा, दूसरा तीसरा खरीदेगा, है। तो सोचिए मार्केट में मनी सप्लाई आने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ा, लोगों के हाथों में अधिक पैसा आया, तो क्या हुआ, वो डिमांड किए, और डिमांड जब बढ़ा तो महंगाई बढ़ गया। तो वही हमने सीखा कि मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है। देखिए महंगाई को बढ़ने का बहुत सारा कारण है ना, कुछ कारण जो है वो RBI देंगे, कुछ कारण जो है गवर्नमेंट बनेगी, है ना। लेकिन हम बहुत सिंपल चीज़ें सीख रहे हैं ना कि अच्छा, जिसे हम लोग खुश होते हैं कि अच्छा बैंक ने लोन सस्ता कर दिया। लेकिन बैंक लोन सस्ता कर दिया ठीक है, आपको तो अच्छे से आराम से लोन मिल जाएगा, है ना, सस्ता लोन मिल जाएगा आपको, लगेगा ना ठीक है कि बहुत आराम से लोन ले लेते हैं। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसके रिपरकशंस जो हैं, उसके जो परिणाम निकलते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, है ना। तो ये समझिए, यानी मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ता है, यानी लोगों के पास, यानी यह समझिए, अब इसको मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली इंडिया में। इंडिया में मान लो कि सभी बैंकों ने लोन सस्ता कर दिया, तो जितने लोग हैं भारत में वो सब के सब लोन लेना शुरू कर देंगे। जिसको मन नहीं भी रहा होगा ना, वो भी लोन लेना शुरू कर देगा, है ना, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है, 3% पर मिल रहा है। तो ये सब लोग जब पैसा अधिक आ जाएगा तो डिमांड करेंगे, है ना। कोई आदमी जा करके गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, कोई आदमी जा कर कार खरीदेगा, कोई आदमी जा करके कोई चीज़ें खरीदेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में, ठीक है, चीज़ें महंगी होने लगेंगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सीन है आपका वेजिटेबल मार्केट का। तो जिस तरह से वेजिटेबल मार्केट में ये सब जो लोग हैं, जो सेलर लोग हैं, वो 40 रुपीज़ के चीज़ों को 50 रुपीज़ कर दिए, तो कॉमन सेंस है गाड़ी के फील्ड में जो लोग गाड़ी बनाते हैं वो लोग भी अपने कार का दाम, अगर कार का दाम 20 लाख रुपये है तो 20 से 22 लाख कर देंगे, 23 लाख कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बायर आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि हाँ, मनी सप्लाई के बढ़ने से महंगाई आती है, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि अच्छा, जिस तरह से आपने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स में कभी ये चीज़ें नहीं होती है ना कि इस घटना से सब कुछ खराब ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या, लाइफ में भी आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं कि हम फेल हो गए, और बाद में वो फेल होते हैं इसलिए वो पढ़ाई का फील्ड छोड़ देते हैं और कुछ और फील्ड चुनते हैं, और उसमें वह पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा सफल होते हैं, ठीक है। तो शुरू में हम लोग रोते रहते हैं कि हम फेल हो गए, हम पास नहीं हो रहे हैं, ये वो। बाद में चूँकि हम फेल हुए इसीलिए हमने कुछ और फील्ड चुना और वहाँ पर हम एक्सेल कर गए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इकोनॉमिक्स में आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा मनी सप्लाई बढ़ाए तो हमेशा ही खराब ही होगा, ओके महंगाई बढ़ गया इसलिए खराब ही हुआ, ऐसा नहीं है। मनी सप्लाई बढ़ाने से कई चीज़ें अच्छी भी होंगी, ठीक है, वो धीरे आप समझिएगा सारा चीज़। लेकिन पहले आप लोगों ये समझने का प्रयास कीजिए कि अच्छा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा, बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर के बहुत कम कर दिया, 3% कर दिया, तो मनी सप्लाई बढ़ गया। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ कि आपने अच्छा सा एग्जांपल दिया, पोटैटो का दाम जो है वो 40 से 50 हो गया। सोचिए जब पोटैटो का दाम, ये चीज़ बढ़ गया तो सब चीज़ का दाम बढ़ेगा, हर फील्ड में बढ़ेगा, हर सेक्टर में बढ़ेगा, है ना। लोगों के पास पैसा अधिक आएगा तो सोचिए, अगर लोगों के पास, ये सोचिए भी गौर कीजिए, अगर लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग जाएंगे और रियल इस्टेट पर पैसा लगाएंगे, है ना, ठीक है। तो रियल इस्टेट में जो है वहाँ पैसा लगाएंगे वो। अब जो ज़मीन जो है वो बिक रहा था 2 लाख का, वो ज़मीन जो बेचने वाला है वो बोलेगा कि 2 लाख नहीं, हम 3 लाख लेंगे, ठीक है। वो भी हेकड़ी मार के चलेगा, है ना, कि 2 लाख नहीं बाबा, 3 लाख लेंगे हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके पास बाहर अधिक आया हुआ है। देखिए मनी सप्लाई होने से क्या हुआ, यहाँ ज़मीन का रेट भी बढ़ गया, आप देख रहे हैं कि ज़मीन का रेट भी बढ़ गया, ठीक है। आगे आप लोग को समझदार है, समझ सकते हैं किस चीज़ से, हर फील्ड में, हर सेक्टर में आपको ये महंगाई का इफेक्ट है
ठीक है, वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों में आप जाओगे ब्रेड खरीदने के लिए तो ब्रेड को महंगा कर देगा, है ना। जो चीज़ें आपको सस्ती मिल रही थी वो अल्टीमेटली आपको महंगी मिल गई। ठीक है, थिंकिंग को समझने का प्रयास कीजिए कि मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, चलिए अब जरा इसका रिवर्स केस समझिए। ठीक है, ये समझिए कि अब बैंक ने क्या किया। ठीक है, अभी सभी बैंक का कंट्रोल किसके पास है, आरबीआई के पास है। ध्यान समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं इसे रब कर सकता हूँ इस पार्ट को, है ना, इस पार्ट को मैं रब कर दूँ। समझिएगा, अब आरबीआई ने कहा, देखा आरबीआई ने कि बैंक जो है वो लोन रेट बहुत सस्ता कर दिया है, लोग बहुत मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, लोग बहुत लोन ले रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ा तो क्या आ गया, इन्फ्लेशन। आपने खुद देखा है ना कि मनी सप्लाई के बढ़ने से हर सेक्टर में, हर फील्ड में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, वेजिटेबल मार्केट हो, है ना, ठीक है, हर चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सौ गौर कीजिएगा, मनी सप्लाई से क्या हो गया, इन्फ्लेशन। अब जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई, है ना। महंगाई के पता नहीं कितने सारे गाने बने हैं, है ना, ये समझिए कि महंगाई है। हाँ, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई। ठीक है, अब जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि अब हमें इस महंगाई से लड़ना है। ठीक है, हमें इस महंगाई को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या नियम लाया जाए कि महंगाई कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि इस महंगाई को हमको कम करना है। मान लो कि महंगाई बहुत बढ़ गया है ना, पोटैटो का दाम 40 से 50 रुपीज़ पर केजी हो गया, रियल इस्टेट में ज़मीन का दाम अगर एक कट्ठा प्लॉट खरीदते हो तो 2 लाख से ज़मीन का दाम बढ़ के 3 लाख हो गया, तो हर जगह महंगाई बढ़ गया, तो आखिर महंगाई को कम कैसे करें। सिंपल है, जिस चीज़ के कारण महंगाई हुआ है आप उस रूट को पकड़ो, उस कॉज को पकड़ो, क्या कारण हुआ है। सोचिए यहाँ पे महंगाई होने का मेन कारण क्या है, मनी सप्लाई। लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया ना, ठीक है, उससे वो डिमांड बढ़ा दिए। ठीक है, इसलिए चीज़ें क्या होगी, महंगी होगी। तो आप ये करो कि महंगाई से अगर लड़ना है तो मनी सप्लाई कम कर दो, ये मनी सप्लाई ना, अगर इसको हम कम कर दें, ठीक है, और इस मनी सप्लाई को हम कम कर दें, लोगों के हाथ में जो बहुत सारा पैसा आया हुआ है जिसके कारण ये लोग उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं, है ना, हमें इन लोगों के हाथों में से मनी सप्लाई कम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि बैंक जो है ना वह यह कहेगा कि मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है ना, तो महंगाई आया हुआ है, तो महंगाई से कौन लड़ता है, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जो है ना वो सभी बैंकों को ये निर्देश जारी करेगा, ये सर्कुलर जारी करेगा कि आप लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। ठीक है, क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा आया हुआ है, तो लोगों को महंगाई जो है वो बहुत तंग कर रहा है, और अल्टीमेटली लोग इससे परेशान होकर फिर रोड पर आएंगे, है ना, रोड पर आएंगे, हंगामा करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको पता है हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आलू और प्याज के और टमाटर के नाम पे तो सरकार गिर जाती है, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है महंगाई से लड़ना। तो आरबीआई जो है इस महंगाई को कंट्रोल करने क्या करेगी, ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगी, मनी सप्लाई पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करेगी, उसको ना एक्स्ट्रा मनी को सोखने का प्रयास करेगी, उसे एब्जॉर्व करने का प्रयास करेगी। कैसे, तो बैंक को निर्देश देगी ना कि आप लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए। ठीक है, यानी समझिएगा कि हम कैसे काउंटर करेंगे, से काउंटर करेंगे इन्फ्लेशन को, हम मतलब आरबीआई। ठीक है, जैसे समझिएगा कि आरबीआई का क्या सिस्टम रहेगा, आरबीआई क्या मैकेनिज्म यूज करेगा, है ना, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, है ना, तो क्या मैकेनिज्म यूज करेगा वो महंगाई से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आरबीआई ये करेगा ना कि वह सभी बैंकों को ये कहेगा कि आपका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए। तो मान लो कि पहले लोन दे रहे थे बैंक 3%, अब आरबीआई के कहने पे अब मान लो कि कर दिए वो 7%। सोचिए 3% था पहले, तो सभी लोग जो है वो आके लोन ले रहे थे, सब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया था, पर जब 7% है
तो बहुत कम लोग हैं, बहुत लोग टाल देंगे कि नहीं अगले साल बाइक खरीदेंगे, है ना, कुछ लोग टाल देंगे कि अगले साल कार खरीदेंगे, कुछ लोग टाल देंगे कि हम जमीन अभी नहीं खरीदेंगे, है ना, कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं भाई हम अभी गोल्ड की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आप देख रहे हैं ना कि लोग जो है वो कम आएंगे बैंक के पास लोन लेने के लिए, लोग कम आएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, क्योंकि कम आएंगे लोग, इससे क्या होगा, अब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, मतलब क्या हो गया, लेस हो गया, है ना, घट गया, ठीक है, समझिए, पहले से जो एक्स्ट्रा मनी था भी अब वो तो धीरे खर्च हो गया होगा, एक बार लोगों का पैसा खर्च हो जाएगा फिर वो लोग भी शांत हो जाएंगे, अब तो बैंक के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि अब बैंक के पास जाएंगे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको, तो जो लोग पैसा खर्च कर चुके हैं 3% पे ले चुके हैं वो तो ठीक है, अब आगे जा के और कोई नहीं देगा, यानी अब वहीं से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, अब लोग जो है ना वो कम लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, कम लोन लेंगे तो डिमांड कम करेंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है, बैंक तो पैसा दे ही नहीं रही है ना, बैंक तो हाई इंटरेस्ट पर दे रही है, तो लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोग जो है वो कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो लोगों के पास चूंकि मनी सप्लाई कम है, पैसा ही कम है, तो कम डिमांड करेंगे, तब इसे क्या होगा, अब इसका इफेक्ट ये होगा कि अब वो लोग पोटैटो सेलर के पास आएंगे और उसे बोलेंगे कि भैया हमें 1 kg आलू दे दो, तो ये आलू वाला बोलेगा कि पूछेगा आदमी कि हाँ कैसे है ये, तो ये बोलेगा 40 से नहीं, अब ये बोलेगा कि 40 नहीं, अब हम 30 rupees बेचेंगे, क्यों 30 rupees per kg, क्यों बेचेंगे 30 rupees per kg, क्योंकि अगर हम 40 बोलेंगे तो हो सकता है ये ना खरीदे, क्योंकि बहुत कम लोग ही आएंगे, देख रहे हो ना, बैंक के पास जो है वो बहुत कम लोग आ रहे हैं पैसा लेने के लिए, जब बैंक के पास खुद ही पहले 4 लोग जा रहे थे, और मान लो कि 2 लोग जाएंगे बैंक लोन लेने के लिए क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है, जब 2 लोग जाएंगे तो 2 में से 1 आदमी आएगा या 2 आदमी आएगा आलू खरीदने के लिए, तो आलू का डरेगा ना कि अगर 2 ही आदमी जो है अगर नहीं बिका मेरा आलू भी ख़राब हो जाएगा, इस कारण से वो 40 रुपये का चीज़ को घटा कर 30 रुपये में बेचेगा, देखिए दाम घट गया ना, हम बोल चाल यही समझते हैं हम लोग ना कि चीज़ों का दाम घट गया यानी महंगाई कंट्रोल में आ गई, तो यहाँ देख रहे हैं ना कि RBI ने कितना अच्छा सिस्टम अपनाया, अच्छा बैंकों पे RBI ने नकेल कस दिया है ना, उस पर कंट्रोल कर दिया, ठीक है, और इस तरह से बैंक पे कंट्रोल किया तो हमारे देश में जितने लोग थे उनके पास कम पैसा आया, मनी सप्लाई मार्केट पे कम घूम रहा है, जब हम मार्केट बोलते हैं ना समझिए कि इंडिया में, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के बारे में, ठीक है, तो मार्केट में यानी डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडिया में लोगों के पास बहुत कम पैसा आएगा, जब लोगों के पास बहुत कम पैसा आएगा तो लोग बहुत कम डिमांड करेंगे, और फिर चीज़ें जो है वो आप देख लो ना वेजिटेबल मार्केट में चीज़ें क्या होगी, सस्ती होगी, अब यही चीज़ हर फील्ड में कर लीजिए, आप जमीन में भी जाइएगा वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे चूँकि बहुत कम लोग जमीन खरीदने जाएंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं जमीन खरीदेंगे कहाँ से, तो इक्का दुक्का लोग जाएंगे भी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे भी जो जमीन वाला जो है अगर वो हाई रेट पे बेचेगा तो उसका जमीन कोई खरीदेगा ही नहीं, तो अपना दाम घटाएगा, तो आप देख रहे हो ना कि ये इफेक्ट जो है धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होते हुए आम जनता तक इसका बेनिफिट पहुँच रहा है, है ना, पहले बैंक ने लोन बढ़ाया है ना, लोन का इंटरेस्ट बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ फायदा, इंटरेस्ट बढ़ाया तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ा, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ा तो लोग ज़्यादा डिमांड किए, ज़्यादा डिमांड किए तो महंगाई आ गई, ठीक ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी है ना, पोटैटो से भी कमाया होगा, जमीन वाला कमाया होगा, है ना, बहुत सारे लोगों ने कमाया, कुछ को फायदा भी हुआ, एक सर्टेन सेक्टर को फायदा भी हुआ। चलिए अब इस महंगाई से हमको लड़ना है, इस महंगाई को हमको कम करना है, ठीक है, यानी महंगाई को हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, देखिए महंगाई को कम करना मत समझिए कि हमको कह रहा है डिफ्लेशन, महंगाई का इंग्लिश होता है इन्फ्लेशन, तो महंगाई को हमको कम करना है, उसको एक लेवल में लाना है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, है ना, यानी अगर आपको डिफ्लेशन लाना है यानी महंगाई को कंट्रोल करना है, महंगाई अगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने से गिराना है तो कहेंगे हम डिफ्लेशन, है ना, तो जब डिफ्लेशन लाना है तो RBI ने क्या किया, उसी बैंकों को यह कहा कि आप अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, जैसे ही बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी ना अब बहुत कम लोग पहुंचेंगे, बहुत कम लोग पहुंचेंगे तो बहुत कम लोग के पास ही पैसा आएगा, अब बहुत कम लोग के पैसा आएगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे, पहले जहां 100 लोग डिमांड कर रहे थे अब यहां 20 लोग ही डिमांड करेंगे, ठीक है, और देखिए पोटैटो सेलर जो है उसके पास कम लोग जाएंगे तो वो भी अपना दाम क्या किया, घटा दिया, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ RBI सोचिए उतना दूर बैठा हुआ बॉडी है, RBI के गवर्नर से थोड़ी ना हम लोग कभी मिले हैं,
तो उतना दूर बैठा हुआ इंसान जो है उसका एक डिसीजन जो है वो आम जनता तक कैसे ट्रिकल डाउन होते हुए ना पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने एक फैसला लिया, उस फैसले को बैंक वाले ने इम्प्लीमेंट किया, और बैंक वाले ने इम्प्लीमेंट किया तो आम जनता पर वो फैसला जो है वो दिख रहा है हमको। आरबीआई ने जब लोन बैंक को कहा कि आप लोन सस्ता कर दीजिए, तो सस्ता कर दी तो महंगाई बढ़ गई, लोग परेशान हो गए, रोने लगे, महंगाई पे तरह तरह के गाने बजने लगे, है ना, तरह तरह के मीम्स बनने लगी, ठीक है, टिकटॉक वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। अब ये सोचिए, अब चूंकि लोग जब परेशान हो गए, हंगामा करने लगे, तो अभी आरबीआई जो फिर उसी को कंट्रोल करेगी, अब बैंकों को कहेगी कि आप अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर दीजिए, जहाँ 3% है बढ़ा के 7% कर दीजिए। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं ना कि 3 से जो 7% हो जाएगा तो ये लोगों के पास कम पैसा आएगा, क्योंकि लोग कम बैंक से लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब पैसा ही कम रहेगा तो डिमांड ही कम करेंगे, जब डिमांड कम करेंगे तो आलू बेचने वाले जो है वो अपना दाम ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, है ना। मैंने आपको बस सिंपल चीज़ों में ऐसे एग्जांपल दिया था कि आप आसपास जो चीज़ें देखते हो उसे आप समझ पाओ ना, है ना, कि हम लोग आरबीआई के किसी डिसीजन से हमारा जीवन जो है वो कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए कि इस पूरे से हमने क्या सीखा। अच्छा, मार्केट में मनी सप्लाई अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। ये सिंबल किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना, समानुपाती हिंदी में बोलते हैं इसको, तो ये जो है वो समानुपाती है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मनी सप्लाई घटेगा, मनी सप्लाई घट गया ना, देख रहे हैं ना, बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर कम लोन लेने आएंगे, कम लोन लेने आएंगे तो लोन, तो फिर अपने आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पोटैटो से रखे चीज़ों को सस्ता कर दिया, महंगाई और घट गई। यानी कैसे क्या हम लोगों ने, मनी सप्लाई अगर बढ़ता है मार्केट में, मार्केट यानी इंडिया में, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, और मनी सप्लाई अगर घटता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है वो भी घटता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इतना जो टाइम बर्बाद करके हम लोगों ने सिर्फ ये एक लाइन सीखा है, ठीक है, तो इसकी पूरा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक मिनट तो जरा इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर भी हो गई, चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, घबराइए नहीं, हर चीज़ धीरे धीरे कनेक्ट होगी, है ना, चीज़ों को आप पढ़ते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। चलिए।